नमस्कार साथियों साथियों कल जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे पूरे देश को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैसा है वो कोविड-19 से लड़ने के लिए उसकी घोषणा की और कल से लेकर आज तक पूरा देश जो है आज फाइनेंस मिनिस्टर जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका इंतजार कर रहा था। हम एज अ छात्र संगठन और इस देश से सभी छात्र भी इसकी ओर नजर उठाए बैठे थे, लेकिन बड़ी निराशा से आपको कहना पड़ रहा है कि इस पूरे बजट में छात्रों के लिए कोई बात नहीं कही गई है। आज इस देश का छात्र निराश है, वो चाहे उनके जो छात्रों ने जो लोन लिया हुआ था, एजुकेशन लोन लिया हुआ था, उस पे चाहे ईएमआई की कुछ कोई छूट हो, चाहे इंटरेस्ट पे कोई छूट की बात हो, जिस तरीके से क्लासेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं चल नहीं रही, लेकिन यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स ने उनकी फीस जो है वो ऑलरेडी ले ली है, जिस तरीके से हम पहले से मांग कर रहे थे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बने जिसके तहत 6 महीने की जो स्कूल और कॉलेजेस की फीस माफ की जाए, पीजीस में बच्चे रुके पड़े हैं, पीजीस के मालिक मकान जो है बच्चों को तंग कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म इस पैसों के द्वारा आता जिससे जो पीजीस के मालिक हैं उनको भी कोई छूट मिलती ताकि लास्ट में जो है छात्रों को मदद मिलती। लेकिन पूरी अगर हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो छात्र वर्ग को इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो है निराश किया है। हम चाहते हैं अभी भी समय है सरकार इन छात्रों की ओर देखे और छात्रों की जो मांग है जो जायज मांगे हैं उनकी जो वो सरकार द्वारा मांग रही है उन पे करें और कुछ हिस्सा इन पैसों का जो है वो छात्रों की जो परेशानियां जो वो फेस कर रहे हैं इस कठिन समय में उन पर लगाया जाए ताकि वो भी इस देश में जिस तरीके से सभी सबको इसका फंड का जो फायदा हो तो उसी तरीके से छात्र वर्ग को भी इसका फायदा हो। धन्यवाद। जय हिंद। जय